फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड में बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर, जहां पर अरविंद पांडे जो कि शिक्षा मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहां पर शिक्षा मंत्री ने इसके अलावा ये भी कहा है कि बोर्ड परीक्षा अगर कोई स्टूडेंट देना चाहता है तो वो दे सकता है। जैसे कि CBSE ने कहा है कि अगस्त और सितंबर के बीच में वो एग्ज़ाम कराएंगे, ट्वेल्थ के अगर कोई एग्ज़ाम देना चाहता है, इस इंस्पाइट ऑफ की डेल्टा वेरिएंट हावी ना हो। तो यहाँ पर उसके अलावा उन्होंने कहा कि हाईस्कूल और इंटर का रिजल्ट लगभग पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है, बस 15 दिन के अंदर उसको जारी करने का निर्देश गाइडलाइन जारी हो गए। तो आप मान लीजिए चलो 10 जुलाई के बाद आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर एक निजी जो है न्यूज़पेपर से बात करते हुए उन्होंने ये कहा है कि लगभग सारी तैयारियाँ कंप्लीट कर चुकी हो गई हैं और 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, यानी कि आप तैयार रहिए, 10 जुलाई के बाद आपको कभी भी आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि कोरोना के चलते आपको देखा होगा कि काफ़ी चीज़ें अस्त व्यस्त हुई हैं, लेकिन जो बच्चे बोर्ड की परीक्षाएँ देने के इच्छुक होंगे उनके लिए योजना बनाई जा रही है। रिजल्ट जारी होने के बाद बोर्ड अपने अन्य कार्यों पर ध्यान देना शुरू कर देगा। यानी कि अगर आप 12th के हैं और पेपर देना चाहते हैं, मैं तो कहूँगा यार अगर आप अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो बोर्ड का कैलकुलेशन का रिजल्ट है उस हिसाब से तो मुझे लगता नहीं कि कोई संतुष्ट होगा। लेट्स सी, अब देखते हैं किस हिसाब से रिजल्ट आते हैं। बाकी अगर आप पेपर देना चाहें तो आप दे सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब जब भी रिजल्ट आएगा आपको सूचना फाड़े नौकरी पर मिल जाएगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।